नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा में मानसा रोड की तरफ से आ रहा एक ट्रक डिवाइडर तोड़कर गैराज में जा घुसा, ड्राइवर की हुई मौत। अमृतसर के ऋषि विहार इलाके में हुई लूट की वारदात को अमृतसर पुलिस ने सुलझाया, चार आरोपियों को किया काबू। बठिंडा के मलोट रोड पर सेहत विभाग की टीम ने ऑनलाइन दवाइयां सप्लाई करने वाले नेटमेट के गोदामों में की रेड, भारी मात्रा में नशीली गोलियां व शीशियां की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा में मानसा रोड की तरफ से आ रहा एक ट्रक डिवाइडर को तोड़कर गैराज से जा टकराया, जिस कारण गैरेज का कमरा टूट गया। वहीं इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि ट्रक तेज रफ्तार में था, जिस कारण वह डिवाइडर को तोड़ता हुआ दो गैरेज में जा घुसा, जिस कारण गैरेज का लेंटर टूटकर ट्रक के ऊपर जा गिरा और ग्राहकों की रिपेयर के लिए आई हुई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। गैरेज मालिक के मुताबिक इस घटना में उनका 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की आंख लग गई थी, जिस कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। अपना आई एच चौंक तो अगे मानसा रोड होया जी, की होया की है, ट्रक का अंदर वड़ गया जी, बिल्डिंग दे गैर दे बठिंडे के कितने बंदे की मौत हो गई? मौत नहीं होई जी, सट्टा बहुत बजी है। मेरा नाम सिकंदर सिंह है जी, आज मानसा रोड से जी, बठिंडे मानसा रोड से बठिंडे दादा मोटर सामने आई, गड्डी भर ली साढ़ा आ रही थी, इन्हें साढ़े एक बरसात उच्च लिया के बारती साढ़ा की कसूर आ, साढ़े इधर गड्डिया खड़िया नुकसान, गड्डी का नुकसान कौन भरूगा? कितों ऐसी गड्डी है मानसा रोड गड्डी पर जा रही है दसी पास जी, डिपो तो आ रही, डिपो तो आ रही है उधरों, चिट्टा चिट्टा पींदा गड्डिया सारे ट्रक ड्राइवर नशे कत्ते कर दिया है। फुल अमृतसर के ऋषि विहार इलाके में कुछ दिन पहले एक घर में आरओ ठीक कराने के बहाने नौजवानों ने दिन दिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए लूट की इस वारदात को हल करते हुए चार आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी नॉर्थ वीरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सरबजीत सिंह, गुरजंट सिंह, जनरैल सिंह और लवप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। इनके पास से 528 ग्राम सोना और 35,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पकड़े गए चारों आरोपी कारपेंटर का काम करते हैं। इनमें से आरोपी जनरैल सिंह और गुरजंट सिंह पीड़ित व्यक्ति के घर की अलमारियों के लॉकर बनाए थे, जिस कारण घर के बारे में इन्हें सारी जानकारी थी। जिन्होंने आरोपी गुरजंट सिंह उर्फ और सरबजीत सिंह उर्फ सोनू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लवप्रीत सिंह ने भी इनका साथ दिया था। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दो जरनैल सिंह ते सरबजीत सिंह, इहदे विच दो जने सरबजीत सिंह ते लवप्रीत सिंह, इन्हां उत्ते पहलां तीन तीन स्नैचिंग के परचे भी ने, ते इस तों इलावा एक 420 दा एक जने दी, सो इन्हां विचों दो डेड क्रिमिनल भी ने, उन्हां दे पहलां भी मुकदमे दर्ज ने। सेहत विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम ने बठिंडा के मलोट रोड पर ऑनलाइन दवाइयों की सप्लाई देने वाली ऐप नेटमेट्स के गोदामों में रेड की। इस रेड के दौरान ड्रग विभाग की टीम ने गोदामों में से भारी मात्रा में नशीली गोलियां व नशीली शीशियां बरामद की हैं। इन दवाइयों को बेचने की अथॉरिटी नेटमेट्स के इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं थी, जिसके चलते सेहत विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक विभाग ने 8,000 के करीब ट्रामाडोल और 2,000 के करीब टेम्पेटाडोल की गोलियां बरामद की हैं, जबकि नशीली शीशियों की गिनती जारी थी। इस मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर रमन गुप्ता, शीशम मित्तल, हरिता के नेतृत्व में सेहत विभाग की टीम ने ये छापामारी की। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। सर इतने अज एक सीक्रेट इनफॉर्मेशन के बेस से सामने सीनियर अथॉरिटीज़ के नाल टाई अप करके अज असी एक इन्हों का नैटमेट्स वाले का जोड़ा इन्हों का रिटेल तो होलसेल का लाइसेंस हैगा इतने उन्होंने को असी इंस्पैक्शन की है। वो सूँ कुछ इनफॉर्मेशन सी कि इन्हों को कोडीन सिरप तो ट्रैमाडोल टैबलेट्स एंड टपेंटाडोल टैबलेट्स हो सकती हैं, जिड़ियाँ कि इन्हों को ऑथराइजेशन नहीं हैगी सी रखन की, क्योंकि वो सैप एक सैपरेट परमिशन लेनी पैंती है डिपार्टमेंट तो।
उस दे अगेंस्ट अज एक टीम ऑफ ड्रग इंस्पैक्टर मैडम हरिता बंसल आए ने मुक्तसर तो शिवशन मित्तल जी आए ने मानसा तो ड्रग इंस्पैक्टर ने असी जॉइंटली इंस्पैक्शन की है। फरीदकोट की होटल शाही हवेली में दशहरा कमेटी के चेयरमैन अशोक सच्चर की अध्यक्षता में दशहरा पर्व को लेकर एक मीटिंग की गई, जिससे कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा कमेटी के 95 सदस्यों की ओर से हिस्सा लिया गया। इस संबंधी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमेटी के चेयरमैन अशोक सच्चर ने बताया कि बीते 2 वर्षों में कोविड महामारी के चलते दशहरा नहीं मनाया गया, लेकिन अब फरीदकोट शहर निवासियों और कमेटी के सभी सदस्यों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि फरीदकोट में 100 वर्षों से अधिक समय से दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों के लिए मथुरा वृंदावन से रंग बिरंगे फवारे, गिद्धे और भांगड़ा के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दर्शकों का मनोरंजन किया जाएगा। इस मीटिंग में आरिश सच्चर, प्रवीण सच्चर, जनरल सेक्रेटरी प्रीतपाल सिंह कोहली के अलावा सभी सदस्यगण भी मौजूद रहे। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि 2 साल कोविड करके वो नहीं मनाया गया तो लोगों के ईवन सारी कमेटी के मैंबर भी बड़ा जबरदस्त उत्साह है। 2 साल क्योंकि वो जो मिस कोविड के पीरियड करके किसी के बस की गल नहीं थी, तो सानू उम्मीद है भी इस बार इन्ना रश होएगा क्योंकि लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, साड़ी कमेटी के मैंबरों का उत्साह, तो वी होप के इस बार बहुत वधिया जिहड़ा साडा प्रोग्राम। फरीदकोट के 1993 तो लगातार ये जिहड़ी साड़ी कमेटी है अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद में न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी की तरफ से श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसके 6ठे दिन प्रभु 14 वर्ष के वनवास के दौरान सीता हरण का मंचन किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर रिबन काटकर रामलीला नाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान भारत भूषण ज्योति, पंकज ज्योति, राजेश नोना, अरुण कपूर, अश्विनी हांडा तथा न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी के प्रधान भगवंत प्रभाकर, चेयरमैन कमलजीत सिंह बेदी, निर्देशक श्रीराम जग्गी, रमन शर्मा, केवल कृष्ण चोपड़ा, हितेश सयाल, दविंदर कालिया सहित असंख्य राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। प्रधान जी श्री ज्योति जी, साढ़े छोटे भरा और रामलीला कमेटी मेरे पिछले 30 साल तो मैं दोनों में मैं बहुत बहुत बधाई देना। पहला जिते रामलीला आयोजन करते सी वो जगह भी बड़ी कम सी और एक छोटे जे हॉल दे ते सी, अच बड़ा मन खुश होया नी विशाल भैणा भरा बैठ के अपने संस्कारां अपने पुरजां और अपने बच्चों ने चेता नदी जागृत कर रहे हैं। मैं रामलीला क्लब का अन्नपूर्णा मंदिर प्रबंधक कमेटी का देवीतुना मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों इन्होंने बधाई भी देना, इन्होंने धन्यवाद भी करना। इन्होंने सू बुला के इतने प्रभु राम जी के दर्शन भी करवाए ने और सारी संगतों को भी आनंद मान रहा है। जय माता दी, जय श्री राम। माँ के पावन नवरात्रों के अवसर पर भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन्हीं भावनाओं को संजोए हुए दुर्गा माँ के 9 रूपों में से एक सप्तम माँ कालरात्रि की जहाँ विधिवत पूजा की गई, वहीं सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में महिलाओं ने उत्साह के साथ 1008 ज्योतियाँ जलाकर श्री दुर्गा स्तुति का पाठ कर अपनी आस्था को प्रकट किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पार्षद रीटा शर्मा, सेवादार रमन शर्मा, अजय लाली ने ज्योति प्रज्वलित कर पाठों की श्रृंखला का शुभारंभ किया।
इस दौरान मंदिर कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता ने मंदिर में आए माँ भक्तों को नवरात्रों की बधाई भी दी। इससे पहले मंदिर के सेवादार इंद्रजीत सिंह राही, प्रदीप अरोड़ा ने माँ के सुंदर भजनों को गाकर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। आने वाले भक्तों के लिए मंदिर कमेटी की ओर से लंगर हाल में व्रत वाला लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह राही, सीमा मल्होत्रा, प्रेम लता भारती, भूषण कोहली, पवन गुप्ता, रिंकू अग्रवाल, पवन मेहता, अरुण वर्मा, राजू शर्मा, विनोद शर्मा सहित बड़ी संख्या में मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन सुरेंद्र बाबा और सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੰਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। भगवान वाल्मीकि जी के आगमन पर्व को लेकर देश भर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं एक शोभा यात्रा पंजाब के अलग अलग जगहों से होती हुई अमृतसर में पहुंची, जो कि पावन वाल्मीकि स्थान रामतीर्थ में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह पर वाल्मीकि समाज के लोगों की ओर से पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के नेता भूपेंद्र सिंह सोनू और वाल्मीकि समाज के अन्य पदाधिकारियों द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस शोभा यात्रा को रोका गया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ के साथ इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ देखने को मिला तो वह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो बोले सोन रुपए भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अज जो यात्रा जलंधर तो शुरू होकर साढ़े अमृतसर में पहुंची शोभा यात्रा भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस के संबंध में वो सारे साथियों ने मिलकर गुरु ग्यान नाथ आश्रम वालों डेरा बाबा मुराद शाह जी वालों मिलकर उस यात्रा का स्वागत किया गया, जिसे बाबा मेघनाथ जी, संदीप जंडियाला, साढ़े लखा कौंसलर जी ओम प्रकाश नारिया तो होर सारे पतवंते साथियों वालों बड़े उत्साह के नाल शोभा यात्रा का जरा स्वागत किया गया और आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देश वासियों बहुत बहुत मुबारक। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं दुर्गा पूजा का इन दिनों में बड़ा महत्व माना जाता है। अमृतसर में दुर्गा पूजा और नवरात्रों के अवसर पर एक समाज सेवी संस्था की ओर से खूनदान कैंप लगाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता H.S. वालिया ने कहा कि हम सभी को खूनदान करना चाहिए ताकि हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। उन्होंने कहा कि इस कैंप में लगभग 100 लोगों द्वारा खूनदान किया गया है। इस मौके पर आप नेता दीक्षित धवन सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और नाल इन्हे हाँ जी दीपक जी जेडे कि प्रधान तो उप प्रधान ने प्रेजिडेंट तो वाइस प्रेजिडेंट ने जेडे निताए गौड़ सेवा दल दे और नाल ही इन्हे नाल मिलकर स्वर्णकार जेड़ा संघ हैगा यूनियन है जिला और तहसील दोनों का वो मिलकर बहुत ही अच्छा उपराला किया समाज सेवा का कि खूनदान कैंप लगा और इन्हों का टीचा 100 यूनिट का सी। मैनू हाली तक वैसे पता नहीं है किन्ने यूनिट हो गए ने 60 प्लस हो चुके ने और खून तो वड्डा कोई दान नहीं है। जदों किसी की जिंदगी बचती है सारा परिवार बचता और सारे समाज को फायदा होंदा और वो भी ये जड़ा कैंप है ऐसे मौके पर लाया गया जेड़े कि बहुत ही एक पावन मौका है जिथे कि अज शुरू होया माँ दुर्गा का पूजा ते अर्पणा। नव दुर्गा रामलीला समिति की तरफ से प्राइमरी स्कूल रामको फैक्ट्री के सामने गदईपुर में चल रही श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के दौरान छठे दिन सीता हरण का मंचन किया गया, जिसे देखकर दर्शक भावुक हो उठे। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर रिबन काटकर इस रामलीला का शुभारंभ किया। इस मौके पर रमन शर्मा, दीपक सूरी, राम सिंह, वीपी गुप्ता, डॉक्टर सीताराम, सुशील शुक्ला, विक्रमजीत वर्मा,
रमेश मिश्रा, महेंद्र राय, हरिराम प्रजापति सहित असंख्य राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जय माता की, जय श्री राम, दुर्गा नर दुर्गा राम लीला प्रबंधक कमेटी प्रधान जी सीताराम जी और ये हमारे साथ उनके साथी उनकी प्रबंधक कमेटी कई वर्षों से प्रवासी हमारे भाइयों के लिए और पंजाबी भाइयों के लिए और हिंदू समाज के लिए जो जो कार्य कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के साथ हमारे जुड़ रहे हैं, मैं इनका इनकी सारी कमेटी का और ठाकुर जी का सबका बहुत आभारी हूँ। और आप लोग हमेशा मुझे बुला के बड़े जन समूह को देख के मुझे लगा कि समाज आज धर्म के नाम पे हिंदू इकट्ठा हुआ, इसके लिए सीताराम जी का और उनके सारे साथियों का और आप लोगों का यदि धन्यवाद है। जितने भी तीर्थ स्थल है सबका प्रसारण वहां होता रहता है, धार्मिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, सांस्कृतिक हो, सबका वहां प्रसारण होता रहता है। तो दोस्तों डीएस केबल आप लोग अपने अपने घरों में जरूर लगवाइए, क्योंकि ये जो सनातन धर्म के लिए है ये केबल हमेशा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम के ऊपर हमेशा दिखाता रहता है। साथ में बाबू जी का बहुत ही उस पर हम लोगों के ऊपर असीम कृपा है। हम लोग अपनी इस सोसाइटी को तभी यहाँ तक खींच के लाए हैं, बाबू जी का सहयोग हिंदू धर्म के लिए। दोस्तों हिंदू धर्म आज जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, इसके लिए बाबू जी बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और मैं जितनी की तारीफ करूं उतनी कम है। ये देवी तलाव मंदिर एक सिद्ध पीठों में देवी तलाव मंदिर आता है, उसकी व्यवस्था बाबू जी के हाथ में है। तो दोस्तों बाबू जी इस समिति के लिए हमेशा आशीर्वाद अपना देते रहते हैं। श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेस वन जालंधर में नवरात्रों के अवसर पर हर शाम मां के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर प्रधान राजेश अग्रवाल, AL धवन, अनुराग अग्रवाल, अंशुमनपुरी, मोहिंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, नरगिस पत्रा, पंडित राजीव शर्मा ने आई हुई पार्टी को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया।
जिसमें मुख्य यजमान कौशल उपाध्याय और ऋतु उपाध्याय ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य सौरभ वेद व्यास और पंडित पवन कुमार आर्य ने मंत्रोच्चारण सहित यज्ञ संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती और गायक रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, ईश्वर चंद्र रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपेंद्र उपाध्याय, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्या, पवन महाजन, कृष्ण कुमार सूद, ऋषु सूद, ललित मोहन कालिया, कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए स्वदेश भगत की रिपोर्ट। पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। ये किसने लिया? आर्य, उत्तम कार्य करने वाले। अब देखिए कुरान वाले क्या कहते हैं, कुरान वाले क्या कहते हैं, इसी की भाव 612 में दे रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। दोनों का अर्थ, पैदा किया है जिसने हमें, मिलाइएगा, पैदा किया है जिसने हमें कायनात में, पैदा किया है जिसने हमें कायनात में, करता है परवरिश वही। जो उन्होंने आज हमें ज्ञान दिया, हमें कुरान और वेदों के आपस में मेल जोल का जो हमें शब्दावली हमें बताई कि वही शब्द है जो वेदों में है, उनको मुस्लिम भाषा में, कुरानों में, आयातों में लिखा गया, उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट किया गया जो कि 2 अरब वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर जो शब्द थे। हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म से जन्मे हम सभी, जो सर्वश्रेष्ठ है वो वेद ही है, चारों वेद हैं, चारों वेदों से ये पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड चलता है। लोग सोचते हैं कि आर्य समाज क्या कर रहा है। आर्य समाज एक पट्टी है जिसमें वो आकर के कुदर बनता है, क्रांतिकारी बनता है, वो राष्ट्रभक्त बनता है। आर्य समाज कहते हैं कि आर्य समाज ने आकर के अगर यही सोचिए हम सिर्फ पूजा पाठ कर दिया तो काम हो गया नहीं। आर्य समाज, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज नाम क्यों दिया? जब पहली आर्य समाज की स्थापना की, कहा कि उनके भक्तों ने कहा कि हमें संगठन बनाना चाहिए। संगठन क्यों बनाना चाहिए? कि हमें राष्ट्र की राष्ट्र की तरक्की के लिए, हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारे वेद जो लुप्त हो चुके हैं जर्मन उठा के ले गया, क्या क्या बात करो उसकी। जालंधर कैंट के तोपखाना बाजार में आर्य बाजार जागरण कमेटी की ओर से 20वां माँ भगवती का जागरण करवाया जा रहा है। इसी संबंध में जालंधर छावनी के माता रानी चौक में ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई। इस दौरान पंडितों ने भजन कीर्तन के पश्चात हवन यज्ञ कर आए हुए यजमानों से आहुतियां डलवाई। इस दौरान जागरण कमेटी के प्रधान सुशील राणा और उनकी टीम के सदस्यों ने इस ध्वजारोहण की रस्म को अदा किया, जिसमें बाजार के सभी लोग शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की। Thank you.
उपकार रामलीला क्लब ढंडार मंदिर बस्ती गुचा जालंधर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीता हरण नाइट का मंचन किया गया। इस दौरान श्री राम के रोल में उदय बाली, सीता के रोल में गगन शर्मा और लक्ष्मण का किरदार संदीप बाली ने बखूबी निभाया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर इस नाइट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपकार रामलीला कमेटी के सदस्यों की ओर से श्री विज को माँ की चुनरी एवं भगवान रामचंद्र जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर हरि कृष्ण बाली ने आए हुए सभी भक्तों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार रमन शर्मा, साधु राम कालिया सहित असंख्य राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। स्वामी वह देखिए कैसा सुंदर नृत्य घूम रहा है। बेशक नृत्य बड़ा सुंदर है और अपना आनंद ले रहा है, विचर रहा है। स्वामी ये भी काम दीजिए, पीछे हो जाओ, पकड़ दीजिए। कैसा खूबसूरत है, कोई आप सोने की मूर्त है। दैनिक सवेरा के संपादक हमारे बीच में आए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये रामलीला जो है, ये हमारे शीतल विज जी जो दैनिक सवेरा के संपादक हैं, ये उन्हीं की रामलीला है। वो हमेशा यहाँ पर आए हैं और इतना मजा सब चल रहे हैं। अभी रामलीला भी चल रही है, ये लाइव चल रही है। ये बहुत ही सस्ती हमारे शीतल विज जी ने ये आपके लिए इतनी सहूलत दी है। तो हमारे बीच में शीतल विज जी। हेलो, दैनिक सवेरा के संपादक साढ़े आदरणीय शीतल विज जी इस रामलीला च पहुंचे ने,
जेड़े तुसी चैनल देख रहे हो डीएस केबल सारे जिन्हें भी तुसी प्रोग्राम देखोगे चिंतपूर्णी ज्वाला जी कांगड़ा धार्मिक स्थान जितने भी केबल चल रही है वो लाइव तुसी चल रहे हैं। एक धार्मिक सम्राट है साढ़े शीतल जी जेडे कि देवी तलाब मंदिर की सेवा का पंथक सरदार यही कहते हैं कि कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं जो है मां तेरा ही है। ये मेरे शीतल जी देखो जिते भी कोई बुला तौड़े चले आते हैं कोई भी कुछ लगा उल्टा पैसे ला के देखो कितने दूरों चल के आए हैं। महाराज मेरे राम भगवान जी इन्होंने चढ़ती अकलों च रखी नाम नाम बख्शी शक्ति बख्शी इसे तरह ही धर्म का काम करते रहन और प्रभु राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहन। ये जी तुम राम जी का देख रहे हो आज तो 53 साल पहला असी साढ़े हरिकृष्ण जी बाली उन्होंने नाल चंद्र जी मैं भी नाल होंगे सी गाने गुने बड़े बोलता हूँ सी कई पता तो अज देखो इस बाली साहब ने अज तक जरा काम किया 53 साल लगातार काम करते आ रहे होर देखो फुला की होली खेलने वाले साढ़े हरिकृष्ण जी बाली जिन्होंने सारे जलंधर शहर किसी ने होली नहीं खेली फुला की सामना पहला शुरू करने वाले साढ़े हरिकृष्ण जी बाली है। उपकार राम लीला क्लब साढ़े आदरणीय हरिकृष्ण बाली जी बहुत ही सत्कारयोग सनातन धर्म का विभाजन होने करते मैं इन्होंने मैं भी 53 साल तो करते आ रहे हैं 20-25 साल मैनू भी हो गया आके इतने आनंद मान लिया मैं देखना ये छोटा उपराला नहीं है बहुत बड़ा उपराला याद है जाना रामलीला कराते हैं कई महीनों तो रेसला करो करी छोटा उपराला नहीं है जरा एडा वा उपराला करके तुसी सीन देखते हो दे पिछे बड़ी मेहनत अंथक मेहनत इन्होंने सारे साथियों की सारे टीम की मैं बाली जी को बधाई भी देना और उन्होंने लंबी आयु की कामना भी करता उन्होंने साथियों का इस तरह उन्होंने नाल कंधे ना कंधा लगा के वो चलते रह और भगवान राम जी के अगे मैं प्रार्थना भी करना कि सारे बसी गुजरा वासियों को तुसी लोग जिन्हें भगवान श्री राम जी की रामलीला देखने आ रहे हो तुहानू सारियां नू चढ़दी कला च रखे तो बच्चों तुसी लै के आने ये बहुत वड्डी गल है बच्चों रामलीला का दूसरा मतलब है कि भाई बच्चों अपने संस्कारों नाल अपने प्रभु नाल मर्यादा जोड़न श्री राम जी ते शिक्षा लैने तुसी आने ये भी बड़ी वड्डी गल है और बच्चे भी सारे रंग देखने आए हुए बच्चों का भी धन्यवाद है कि अपने माँ बाप के नाल इतने आ के आप सनातन धर्म के झंडे को बुलंद करते हैं और बाली जी को बहुत मैं बधाई देना मैं महाराणी अगर अरदास करना इन्होंने चढ़ती कला चलती इन्होंने सिर पर मेहर भर याद रखी जय श्री राम। नवरात्रि के संबंध में श्री कृष्ण मुरारी मंदिर सैदा गेट में महिला संकीर्तन मंडली की प्रधान संगीता की अगुवाई में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ करवाए गए। इस मौके पर महिला संकीर्तन मंडली की ओर से कीर्तन भी किया गया। इस दौरान आरती के उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रधान संगीता ने बताया कि नवरात्रि में माँ दुर्गा स्तुति के पाठों का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा की पूजा करने से हर दुख दूर होता है और मन की शुद्धि होती है। इस मौके पर इंदु शर्मा आशा रानी कोमल शोभा हीना नीरू नीतू आरती आदर्श रजनी नीनू डोली वीना मनु रीटा गीता रेखा कविता सहित असंख्य माँ भक्त मौजूद रहे।
जालंधर से हलचल के लिए स्वदेश भगत की रिपोर्ट। नवयुग दुर्गा जागरण सभा मॉडल हाउस जालंधर की ओर से 47वां वार्षिक जागरण मॉडल हाउस जालंधर में करवाया गया, जिसमें केवल खन्ना एंड पार्टी और बद्रीनाथ से आई भजन मंडलियों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर, जबकि विधायक शीतल अंगुराल और पूर्व विधायक सुशील रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सभा के सदस्यों की ओर से शीतल विज को माँ की चुनरी भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर कलाकारों की ओर से सुंदर झांकियां भी पेश की गई। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। We'll be right back.
कमेटी के प्रधान वरिंदर भल्ला जी पाठिया साहब रोची जी केश महाजन जी और उन्होंने सारे साथियों का मैं बहुत धन्यवादी हाँ कि मैंने पिछले 30-40 साल तो इतने बुला के महामाई का आशीर्वाद दवाते हैं और इन्ना विशाल जागरण करके और सारे इलाके दी संगतों को सनातन धर्म नाल महामाई के दरबार नाल जोड़ते हैं आने वाली साड़ियाँ जनरेशन्स नू अपने धर्म के नाल बड़ी श्रद्धा नाल और बड़ी मेहनत नाल जागरण का उपराला करके उन्होंने जोड़ दे। मैं देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों और महारानी के अगे ये अरदास करना सारी कमेटी को चढ़दी कला च रखी इन्हों का इदा ही आपस के प्यार बनाई रखी ये 47 साल तो 107 साल तक पहुँचन और इस तरह प्यार एडा विशाल जागरण का आयोजन करना कोई छोटी गल नहीं बड़े अंथक कई महीनों तो मेहनत करते आ रहे हैं मैं देखता है और निष्पक्ष काम है जड़ा सिर्फ थोड़े लोगों को साढ़े वर्ग के लोगों को महामारी का आशीर्वाद दवाते हैं और महाराणी अगर अरदास करते हैं कि इन्होंने चढ़ने गल रखी इन्हों तंदुरुस्त रखी इन्हों सिर से मेहर भरियात रखी और सारे इलाका वासियों भी चढ़ती कला रखी जय माता।
असं धनवादी हाँ बहुत शीतल में शीतल में ही कोई आम इंसान नहीं है। मैं गल कहूँगा कि जलंधर की नहीं पंजाब की एक मायनास हस्ती है। मैं फिल्म इंडस्ट्री च सी बहुत जी कि उत्थे सारी फिल्म इंडस्ट्री आ जाती सी ना तो कोई माने नहीं सी रखती। जेकर उत्थे अमिताभ बच्चन नहीं सी होंदा तो किसी फंक्शन के कला अमिताभ बच्चन आ जाता सी सारी इंडस्ट्री नहीं सी होंदी। तो कहिंदे सी फंक्शन कामयाब तो सो दैट कि जिते साढ़े बाबू जी का आशीर्वाद सारी संगत को मिल जाता सारी सोसाइटी मिल जाता है खास खास के नवयुग दुर्गा जगराता सभा मिल जाता है और बच्चों हर साल आशीर्वाद देने आते हैं और इस तो वीडी मैं सोचता कोई गल नहीं इस तो वाला कोई आशीर्वाद नहीं। असं धनवादी हाँ बाबू जी की उम्र इतना ही लंबी करे परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे इन्हों तरक्या बख्शे परमात्मा ने बहुत तरक्की बख्शी है इन्होंने होर तरक्की बख्शे ताकि अपना आशीर्वाद सदा जलंधर के सारे बच्चों के सिर से रखन साढ़े सिर से रखन। असं भी इन्होंने बच्चे हैं बेशक हम उम्र होवे लेकिन असं बहुत छोटे हैं कीड़े मकोड़े हैं साहब और परमात्मा हमेशा इन्होंने तंदुरुस्ती बख्शे आशीर्वाद बख्शे आशीर्वाद देते रहे सारी सोसाइटी को बाबू जी का जिते आशीर्वाद है उतने मेरिया भी शुभ इच्छावान ने तो कामना है कि परमात्मा तरक्की करो सारे जिनी मेहनत करते हो ना रात हंसती ना सितारे होते लहरें भी भटकती घर किनारे ना होते जिंदगी कहाँ जाके फरियाद करती है भक्तो अगर जिंदगी में आप जैसे सहारे ना होते आप जैसे सहारे ना होते। इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में आए हैं अचानक से आए काश आपके आने की खबर पहले मिल गई होती पलके बिछा देता मैं जहां तक नजरे गई होती क्योंकि महामाई के सेवक महामाई के दरबार से आ जाते हैं साड़ी पब्लिक के सनातन धर्म के सनातन धर्म के वड्डे स्तंभ ने इन्हों बहुत बहुत बधाइयां ये बच्चों से इतना आशीर्वाद महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का प्रकोशोत्सव पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के चलते भगवान वाल्मीकि मंदिर रामबाग जालंधर छावनी की ओर से पहली विशाल शोभा यात्रा का आयोजन 7 अक्टूबर के बाद दोपहर 2 बजे से किया जा रहा है। इसी संबंध में भगवान वाल्मीकि मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से दीप नगर के लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र दिया गया। इस मौके पर कमेटी के सदस्य रमेश रहेला अशोक हंस चंद्रकांता सहजनाहर कमलेश कृष्ण लाल सहोता अजय पीवल लवकुश और अशोक भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि सारे दीप नगर निवासियों को बेनती की जाती है कि पहली शोभा यात्रा रामबाग वाल्मीकि मंदिर तो 7 तरीक नूं दोपहर 1 बजे शुरू की जा रही है जिदे विच सारिआं नूं महल्ला निवासियों सारे दीप नगर नूं ते सारे शहर वासियों नूं बेनती की जाती है कि शोभा यात्रा दे विच हाजिर होवो। दीप नगर वासियों नूं बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिहड़ी 7 तरीक नूं शोभा यात्रा दीप नगर रामबाग विचों शुरू की जाएगी। आप सभी नूं एक निवेदन है कि शोभा यात्रा जी आके रौनक बधाओ। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। श्री राम मंदिर मोहल्ला नंबर 17 जालंधर छावनी में नवरात्र की संबंध में कीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू विशेष रूप से मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर आरती भी की गई। मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से प्रधान कमल चौहान ने आए हुए प्रभु भक्तों का धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं आरती के पश्चात प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। इस मौके पर पंडित राजकुमार राजू प्रभदयाल लक्ष्य शर्मा अनु शर्मा आशा चड्डा उषा कमलेश और सीमा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय श्री राम श्री सनातन धर्मरामा मंदिर नरात्या दे उपलक्ष दे विच डेली कीर्तन किया जा रहा है जिहड़ा कि टाइम 6 to 7:30 तक लगता है। संगत बड़ी दूरों दूरों श्री सनातन धर्मरामा मंदिर में आ के माँ काली के अगे मत्था टेक के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। असी आई हुई संगत का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 4 तरीक नौमी वाले दिन सवेरे 10 बजे छोटिया छोटिया कंजक नन्निया कंजक
200 कंजक असं भुगताने हैं और 200 कंजक आएगी पूरी उस कंजक का आशीर्वाद लैन लई बड़ी बड़ी दूरों लोग आते हैं कंजक का आशीर्वाद लेना बहुत ही सौभाग्य है। जय माता दी जय माता जी। जो कि हर साल की तरह इस साल भी जो माँ चिंतपुनी दे नौ देवियां दे माँ काली दे माँ लक्ष्मी जी दे सारयां दे जो कि नराते श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के अंदर माता काली जी के चरणों के बैठ के जो पूरे साढ़े केंट के निवासी है पासों पासों आ के लोग माँ काली का नौ देवियां का जो कि आशीर्वाद लेंदे है वो असी सारयां दे इत्थे आन ते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महामई इदा ही सारयां ते मेहर भरिया हाथ रखे इदा ही ये जिहड़े नराते है महामई चलते रहन और सारे माँ चिंतापुर्णी दे और माँ वैष्णो देवी दे आशीर्वाद लेंदे रहन और सारयां ते मेहर भरिया हाथ रवे यही असी अपने वालों श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों और अपनी पूरी रामा मंदिर की टीम वालों सारयां दे अगे माता दे अगे यही बेनती करते कि जिहड़ा इत्थे आवे उहदियां सारियां आसां मुरादां पूरियां होण। जय माता दी जय माता दी। जो कि थोड़े दिन रह गए आ जो कि हर साल की तरह इस साल भी जय गणपति सेवा सोसायटी वालों जागरण कराया जाता है वो 7 तरीक जो कि कराना हैगा सी उहदे विच सारियां संगतां ने आके जो मला नंबर 24 और 23 के अंदर आके गुणगान माता का सुनना है और माँ चिंतपुर्णी का माँ वैष्णो देवी का नौ देवियां का जो कि आशीर्वाद लैना उहदे विच चेचे तौर के उपर साडे जो बाऊ जी शीतल बीर जी है प्रधान देवी तला दैनिक सवेरा हलचल उन्होंने भी आके जो कि माँ का आशीर्वाद लैना असी सारयां नूं अपने वालों जागरण की भी खचेचे तोड़ दे उपर जो साडे महामई दे नराते है जो कि असी 4 तरीक नूं इत्थे कंजकां बिठा के कंजकां दा आशीर्वाद लैना आ महामई आप आके सानूं आशीर्वाद देवे। उत्सव बड़ी धूमधाम से श्री राम मंदिर में मनाया जा रहा है जिसमें भक्तजन आते हैं और यहाँ पर सुंदर सुंदर भेंटें गाते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम नवमी तक चलता रहेगा और दुर्गा अष्टमी नवमी के दिन माँ भगवती की पूजा होगी और उस दिन कन्या पूजन होगा। आप सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। नवरात्रि के संबंध में मंदिर श्री बजरंग भवन में स्थापित 9 शक्तिपीठों से लाई गई पावन ज्योतियों से पूरा जालंधर छावनी का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इलाका निवासी इन पावन ज्योतियों के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली बना रहे हैं और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मां भगवती की पावन ज्योतियों को नवरात्रि तक मंदिर में स्थापित किया जाता है जिससे जालंधर छावनी का माहौल पवित्र और शुद्ध होता है। उन्होंने बताया कि मंदिर में रोजाना कीर्तन और महाआरती की जाती है जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल होते हैं। इस मौके पर प्रधान विजय गोयल, वाइस प्रधान भूषण अग्रवाल, पवन अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, विकास अग्रवाल, सागर कनौजिया, रोबिन कनौजिया, अनिल मलिक, अश्विनी जैन, मनोज चोपड़ा, अमित कनौजिया, तिलक राज शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। नवरात्रे के उपलक्ष्य के विच मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी वालों महानवरात्रि उत्सव जो मंदिर श्री बजरंग भवन के 26 तरीक तो लैके 4 तरीक तक मनाया जा रहा है जिदे महाराणी दौकियाँ रात 8 बजे तो लैके 10 बजे तक रोजाना चल रही ने। अज 1 तरीक मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी वालों जो महाराणी की चौकी अज साढ़े प्रधान श्री विजय कुमार गोयल की अध्यक्षता के अनिल अग्रवाल सागर कनौजिया जी और जिन्हें भी मैंबर है जी और पवन अग्रवाल सालेग्राम जी इन्हों का राकेश अग्रवाल जी का सारे का बड़ा सहयोग है जोड़ा ये नवरात्र के उपलक्ष्य के प्रोग्राम जोड़ा मंदिर श्री बजरंग भवन के हो रहा है। मैं सारे छावनी निवासियों सारे देशवासियों नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामना देवा। जय माता दी जय माता दी। माता ज्योतां वालियां का मेला बड़ी धूमधाम से जलंधर कैंट के श्री बजरंग भवन मंदिर में मनाया जा रहा है। सारी मंदिर कमेटी बड़े नुकसान से हर साल तीसरा वार्षिक मेला मना रही है। असं मां माई जलंधर वासियों से तो उम्मीद करते हैं कि मेले के दर्शन कर माता दी ज्योतां के दर्शन कर आए पर परमात्मा माता रानी का आशीर्वाद भी।
पावन नवरात्रि के अवसर पर रमन शिव मंदिर जालंधर में मां दुर्गा स्तुति के पाठों का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली ने आए हुए भक्तों के सहयोग से श्री दुर्गा स्तुति के पाठ कर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों सहित असंख्य मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होए, चौकड़े पाठे सदा भवानी सुख दे भक्ति रहे भंडार, दुर्गा पाठी से कभी रही नैया दूर, रक्षा सदा है कर जगत माराने, जगदम्बे महाकालिका चंडी आदवानी, जगदम्बे महाकालिका चंडी आदवानी, जय कारा चिंतपुरी महामाई जी दा साके दरबार में जय, ऋषि रतन ने सुनाया मनाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ पांचों में अध्याय, समय समर जाओ दो वेदर बलवान, अज मां दे नवरात्रे असूरे चल रहे ने और हर साल की तरह क्योंकि दो तीन साल पाठ होया नहीं दुर्गा स्तुति में, लेकिन इस बार दुर्गा स्तुति के पाठ 108 कंजका भगवती मां दिया और मां दिया जोतां जगा के रमन शिव मंदिर च पाठ किया गया। हार्दिक फैशन लाइफस्टाइल होम डेकोर का सामान एक ही छत के नीचे लुधियाना निवासियों को उपलब्ध करवाया गया है, जहां हर स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और ट्रेंड के अनुसार ही हर चीज की खरीदारी की गई। ये सब दिखा जीतो लुधियाना लेडीज विंग द्वारा जीतो कार्निवल 2022 में, जो हांबड़ा रोड स्थित होटल में आयोजित किया गया, जहां लोगों ने फन के साथ करवा चौथ व दीपावली की खरीदारी की। कार्निवल में लोगों ने डिजाइनर आउटफिट, कॉस्मेटिक, फुटवेयर, होम फर्नीचर की शॉपिंग करने के अलावा अपने भविष्य संबंधी टैरो कार्ड से जानकारी भी हासिल की। इस दौरान जीतो चैप्टर चेयरमैन प्रदीप जैन ने जीतो की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना भी की। इस अवसर पर जीतो लेडीज विंग चेयरपर्सन मंजू ओसवाल ने आए हुए गणमान्यों का आभार जताया और कहा कि अगले वर्ष नए ट्रेंड्स के साथ और आइटम लेकर आएंगे। कन्वीनर प्रांचल जैन व भानु जैन ने कहा कि जीतो कार्निवल प्रदर्शनी को अच्छा रिस्पांस मिला है। इस अवसर पर जीतो लेडीज विंग के चीफ सेक्रेटरी सीरत ओसवाल, वाइस चेयरमैन कंचन जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी एकता जैन, भानु जैन, मेंटर रंजना जैन, एग्जीक्यूटिव मेंबरों में नीरा जैन, अमिता जैन, शिल्पा जैन, रूबी जैन, रिचा जैन, डॉली जैन, मुक्ता जैन सहित जीतो लुधियाना चैप्टर के चेयरमैन राजीव जैन चमन, चीफ सेक्रेटरी पवन जैन, एपेक्स डायरेक्टर तरुण जैन, मेंटर कोमल कुमार जैन, ड्यूक पूर्व चेयरमैन भूषण जैन, वाइस चेयरमैन अमित जैन के जैन, वाइस चेयरमैन विनोद जैन सहित सभी पदाधिकारी शामिल रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी, मेरा नाम मंजू ओसवाल, चेयरपर्सन जीतो लेडीज विंग लुधियाना चैप्टर से मैं बोल रही हूँ। हमने यहाँ निर्वाणा क्लब में एग्जीबिशन लगाई हुई है कार्निवल, ये हमारी सातवीं है, बहुत सालों से हम लगाते आ रहे हैं और ये स्वावलंबन पे है कि हम औरतों को अपने घरों में जो काम करती है बाहर लाके उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ वो अपने जो भी चीज़ें बना रही उनका प्रदर्शन करके अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर सकें। हमारे स्टॉल इस टाइम 49 है और 4 स्टॉल हमारे खाने पीने के भी हैं। हमारी स्टॉल्स में बच्चे अपने आप जो घरों में चीज़ें बनाती हैं खाने, जैसे केक का सामान है, पिनिया है, लड्डू हैं, जो भी वो बना रही हैं, आम पापड़ बना रही हैं, दूसरी जो अपने क्या कहते हैं घर में कपड़े बनाती, रेडीमेड सूट्स का काम है, फिर उसके ऊपर उन्होंने लाइफस्टाइल के लिए जैसे बेडशीट, बेड कवर्स भी लगाए हुए हैं, डेकोरेशन का सामान लगाया दिवाली का, जिसमें हमने एनजीओ को भी ऑफर दिया हुआ है, वो भी आके उन्होंने अपने दिए बना के लगाए हुए हैं। फिर उसके ऊपर हमने रेडीमेड आइटम्स और भी जो इन्होंने लगाई हुई हैं, जैसे सजावट का सामान है, वो भी इसी में है। तो मेरा नाम अंजलि है। सो या वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मंजू ओसवाल, लाइक शी हैज़ ऑर्गेनाइज दिस जीतो इवेंट विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले आर प्रोडक्ट। आर ब्रांड नेम इज़ एड्रियो एंड या सो मंजू मैम गेव अस अ वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। सर, माई सेल्फ नितिन जैन फ्रॉम अहमदाबाद प्रिंट मैजिक।
हम लोग गारमेंट एसेसरीज का काम करते हैं, मेक टू ऑर्डर का काम करते हैं। हम लोग की एसेसरीज ऐसी है जो हर फील्ड में यूज़ होती है, चाहे इट में भी मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, किसी में भी। जहाँ ब्रांडिंग की बात आती है, हियर कम्स द वर प्रिंट मैजिक। हम लोग नॉर्मली कोई भी एक ऑर्डर लेते हैं तो उसका लीड टाइम नॉर्मली 60-90 days होता है। हम लोग ऑलरेडी रिलायंस ग्रुप में, किलर में, कॉब में, फिर काफ़ी कस्टमर्स को, बड़े कॉर्पोरेट्स को सप्लाई कर रहे हैं, और लास्ट 16 साल से हम लोग इसी फील्ड में हैं। मैं खुद इटसेल्फ चाइना ही था पहले, तो लाइक काफ़ी अच्छी खासी R&D की हुई है। उसके बाद में दाऊँ, वी हैव स्टार्टेड टू इम्पोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम चाइना। सर, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है लुधियाना का। मुझे तरुण जी जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे काफ़ी हौजेरी का बहुत बड़ा मार्केट है, सो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन दिस जीतो एग्जीबिशंस। और काफ़ी यहाँ पे जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़, जो टेक ओवर, जो बड़े टाइकून्स है, वो सब जैन के अंडर में है। सर, अभी जैसे ये फर्स्ट डे ही है, इट्स माई स्टार्टअप, सो मेरा इंट्रोडक्शन अभी सभी से हो रहा है, एंड क्लाइंटेज हैव लाइक स्टार्टेड टू कम, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई प्रोडक्ट, और जो जो इंटरेस्टेड है वो इंटरेस्ट ज़रूर ले रहे हैं। बढ़िया बढ़िया सर, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, यहाँ की जो टीम है वेरी एक्टिव टीम है, मंजू जी जो है वेरी एनर्जेटिक, और वाकई में बहुत बेटर, बहुत गुड, वेरी नाइस। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। बठिंडा में मानसा रोड की तरफ से आ रहा एक ट्रक डिवाइडर तोड़कर गैराज में जा घुसा, ड्राइवर की हुई मौत। अमृतसर के ऋषि विहार इलाके में हुई लूट की वारदात को अमृतसर पुलिस ने सुलझाया, 4 आरोपियों को किया काबू। बठिंडा के मलोट रोड पर सेहत विभाग की टीम ने ऑनलाइन दवाइयां सप्लाई करने वाले नेटमेट्स के गोदामों में की रेड, भारी मात्रा में नशीली गोलियां व शीशियां की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।